Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class, we will study exercise C. Okay. इसमें बच्चों हमने अभी फ्रैक्शन पढ़ लिया था. फ्रैक्शन में हमने ये देख लिया था न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे बनता है. ठीक है, अब जैसे कि हमें बोला है किसी पार्ट का हमें आधा बताना है, तो हम क्या कर देंगे, उसका हाफ करके हम बता देंगे ये इसका 1/2 है, मीन्स हाफ है. ठीक है, तो अब ऐसे ही हम किसी भी नंबर का अब 1/2 निकालेंगे, उसका मतलब हाफ कितना होता है, या किसी का 1/3 निकालेंगे कि उसका 1/3 पार्ट कितना होगा. ठीक है, तो आइए हम इसको निकालना सीखते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि 6 का सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारी है फाइंड आउट 1/2 ऑफ द फॉलोइंग. हमें नंबर्स दिए हैं, उनका हमें 1/2 निकालना है, मतलब आधा निकालना है. आधा क्या, 1/2, मतलब 2 में से 1 पार्ट, मतलब 2 पार्ट, 2 है पूरा और उनमें से 1 पार्ट हमें, मतलब आधा उसका पार्ट फाइंड आउट करना है. अब जैसे 6 का 1/2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 6 का हाफ कितना होगा ये तो हमें भी पता है, 6 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा. तो ठीक है, बट इसका निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है 6 का हाफ, तो मतलब 1/2. अब कैसे निकलेगा ये 1/2, मतलब ये डिवाइड में है 2, तो 2 वन ज़ा 2 होगा एंड 2 थ्री ज़ा 6. अब 3 × 1 इज इक्वल टू 3, कितना आएगा 6 का हाफ, 3. अब बी वाला देखिए, जैसे कि 8 का हाफ निकालना है, 8 का हाफ निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से. तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. सो 4 × 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, सी वाला देखिए क्या है, 10. 10 का हाफ निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10. तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5. ये इसका क्या निकल गया, हाफ निकल गया. ठीक है, तो हाफ निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से. अब मैंने जैसे बोला फाइंड आउट 1/3 ऑफ द फॉलोइंग, अब 1/3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 का 1/3 निकालना है, तो मैं 9 का 1/3 कैसे निकालूंगी, 9 × 1/3. अब कैंसिल कैसे होगा, अभी नीचे 2 था तो 2 के टेबल से कर रहे थे, 3 है तो 3 के टेबल से करेंगे. 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. सो 3 × 1 इज इक्वल टू 3. तो ये 3 उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, सॉरी 1/3 हो गया. ठीक है, नाउ 12 का निकालेंगे 1/3, 12, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12. ठीक है, तो 4 × 1 = 4. ओके, नाउ 15 का 1/3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 × 1/3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5. ये क्या निकल गया, इसका 1/3 निकल गया. ठीक है, अब अगर हमें 1/4 निकालना है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से. फॉर एग्जाम्पल मुझे 16 का 1/4 निकालना है, तो मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4. ओके, 28 का 1/4 निकालना है, तो 28 × 1/4, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 7 × 1 = 7. ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर का 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो इजीली. ठीक है, अब हमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग, अब हमें इनको सॉल्व करना है. ठीक है, आइए देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं.
इसमें भी हमें कोई फ्रैक्शन दिया है तो उस फ्रैक्शन का वो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या बोला इन्होंने, 1/3 ऑफ 24 का हमें 1/3 पार्ट फाइंड आउट करना है। तो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 24 का 1/3, तो 3 1 3, 3 8 24, 1 × 8 कितना हुआ 8, तो 1/3 ऑफ 24 का 1/3 पार्ट कितना होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/4 ऑफ 32, 32 का कितना निकालना है हमें, 3/4 निकालना है, तो 3/4 का मल्टीप्लाई हम 32 से करेंगे। 4 1 4, 4 8 32, ठीक है, 3 × 8, ठीक है, 3 × 8 कितना होगा 8 3 20 4, ठीक है। नाउ तो ये क्या आ गया, 3/4 आ गया 32 का। नेक्स्ट है 7/8 ऑफ 40, 40 का 7/8 निकालना है, 7/8 ऑफ 40, तो 7/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 40, 4 0, 8 1 8, 8 5 40, तो 7 5 = 35, ये क्या निकल गया 7/8 ऑफ 40। ओके नाउ जैसे कि मुझे निकालना है 2/3 ऑफ 12, 2/3 ऑफ 12, तो 3 1 3, 3 4 12, 2 4 8, तो ये क्या निकल गया 2/3 ऑफ 12। ठीक है, इसी तरीके से आपको फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। ओके और देखिए 4/2 ऑफ 16, 4/2 ऑफ 16, तो 2 1 2, 2 8 16, 4 8 32। ओके नाउ 1/4 ऑफ 56, 1/4 ऑफ 56, तो 4 1 4, 4 1 4, एंड 1 6 16, 4 4 16, कितना आएगा 14। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको कैंसिल करना सीखना है, कैसे हम टेबल के से कैंसिल करते हैं। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा, और जिसको भी डाउट हो ये आपके लिए न्यू चीज़ है तो आप मेरे से क्लियर करें अपना डाउट और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जैसे ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप रेगुलर हो जाएंगे बिल्कुल इसको करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।